Shri Adhiraja Vivekananda Satchit Sukhasvarupani Swami स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित हिंदू धर्म ये भी थोड़ा कठिन विषय है क्योंकि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं जो सनातन है उसको 40 मिनट में समेटना समुद्र को लोटे में समेटने की बराबर है अब सिर्फ कोशिश ही करेंगे देखते हैं कहां तक कुछ संभव होता है तो आप लोगों ने अभी कुछ अच्छे व्याख्यान आपने सुने तो विवेकानंद का जो ये जो पेपर ऑन हिंदुइज्म जो ये उनकी और एक ये व्याख्यान नहीं थी उन्होंने ये लेख खुद उन्होंने ये लिखा था और उन्होंने शिकागो में इसको उन्होंने पढ़ा था अब पूरे जो शिकागो जो वक्तृता है स्वामी जी की उसका जो मूल्यांकन एक व्यक्ति ने बहुत ही सटीक किया वह है भगिनी निवेदिता मैं मूल इस हिंदू धर्म के बारे में बोलने से पहले मुझे ये बोलना बहुत ही आवश्यक लगता है क्योंकि उनको स्मरण किए बगैर ये पूरा नहीं है भगिनी निवेदिता लिखती है कि जब स्वामी जी ने अपना व्याख्यान शुरू किया था तब उनका विषय था हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक विचार और जब उनका व्याख्यान खत्म हुआ आधुनिक हिंदू धर्म की सृष्टि हो गई यह जो शिकागो वक्तृता की जो उनका जो मूल्यांकन है एकदम ही सटीक है विवेकानंद जब शुरू किए थे हिंदू धर्म के बारे में बोलने और उनकी जो परिभाषा उनकी जो व्याख्या एक एक करके हिंदू धर्म के मुद्दे को उठाते गए उठाते गए उठाते गए आप देखेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता जहां तक मैं जानता हूं मेरी जो क्षुद्र बुद्धि है इस क्षुद्र बुद्धि में मैं जितना समझता हूं मुझे नहीं लगता किसी ने भी विवेकानंद के पहले हिंदू धर्म की ऐसी परिभाषा ऐसी व्याख्या कभी की क्योंकि इसके पहले जब भी किसी ने हिंदू धर्म की ओर देखा हो या उसका मूल्यांकन किया हो सो हिंदू धर्म के किसी एक अंग को लेकर के ही उसका मूल्यांकन हुआ है विवेकानंद एक ऐसे धर्म गुरु हैं जिसने हिंदू धर्म को सर्वांगीण रूप से पूरे तरह से पूरे उसके जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी अंग हैं सभी को लेकर के उन्होंने जो व्याख्या किया ये एक अद्भुत स्वामी जी की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है हिंदू धर्म के प्रति तो ऐसा नहीं है विवेकानंद ने कुछ नया सृष्टि किया जब भगिनी निवेदिता कहती हैं आधुनिक हिंदू धर्म की सृष्टि हुई उन्होंने कुछ नया सृष्टि नहीं किया जो कुछ नया होता है वो सनातन नहीं होता और जो सनातन होता है वो सब समय के लिए नया होता है तो विवेकानंद ने कुछ नया सृष्टि नहीं किया जो है जो सर्व समय के लिए है उसका जो परिभाषा उनकी जो व्याख्या यही उनकी खासियत थी पहली बार हम इतिहास में देखते हैं हमारे जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके इतिहास में देखते हैं एक व्यक्ति आकर के हिंदू धर्म की सर्वांगीण रूप से ऐसी एक व्याख्या हमारे सामने रखते हैं तो ये एक बहुत खासियत है हमारे जो विवेकानंद के दृष्टिकोण से अगर हम देखें उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हिंदू धर्म के प्रति
अब देखिए स्वामी जी एक बहुत ही सुंदर तरीके से उस भाषण को शुरू करते हैं और उस भाषण में देखेंगे विवेकानंद हमारे जो हिंदू धर्म की एक एक मुद्दे को उठाते हैं, जो हमारे सनातन धर्म की जो खासियत है, जो प्रत्येक हिंदुओं को जानना चाहिए और जो वैसे कहने के लिए जो हिंदू नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए है, सभी को यह चीज वह बता रहे हैं कि वास्तविक हिंदू धर्म के जो मूल स्तंभ हैं वो क्या क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक लेख सभी को पढ़ना चाहिए और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। स्वामी जी उस एक लेख में हिंदू धर्म के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हैं, बहुत सुंदर। तो पहली बात वो ये कहते हैं कि देखिए हमारे भारतवर्ष की एक जो खासियत क्या है, एक अद्भुत भूमि है। यहाँ पर इतने धर्म हैं, इतने पंथ हैं, इतने चिंताधाराएं हैं, इतने विचारधाराएं हैं, अज्ञेयवाद है, नास्तिकवाद है, भौतिकवाद है, यहाँ पर अनीश्वरवाद है, अनेकेश्वरवाद है, कितने वाद विवाद हैं यहाँ पर, लेकिन सभी वाद और विवादों के लिए यहाँ पर स्थान। ये ऐसा क्या सामान, एक सामान्य आधार इन सब मत विवादों को स्थान देने वाला वो कौन सा सामान्य आधार है, वो कौन सा एक केंद्र है जहां पर इतने विभिन्न प्रकार के जो सोच हैं सब आकर के केंद्रस्थ हो जाते हैं। वो कौन सा केंद्र है? वह केंद्र है हमारी सनातन धर्म की सोच। ये सनातन धर्म ऐसा एक अद्भुत एक जीवन शैली है, एक ऐसा एक सनातन तत्वों का एक समूह है जिसमें सभी लोगों के लिए स्थान है, सभी विचारधाराओं के लिए स्थान है, सभी लोगों के लिए वहां पर एक एक, एक स्थान है। तो यह बात विवेकानंद खास करके उस लेख में इसका वो उल्लेख करते हैं। फिर वो बताते हैं देखिए यह जो सनातन धर्म है इसकी एक अद्भुत एक आभ्यंतरिक एक शक्ति है, आंतरिक शक्ति है। मूल हिंदू धर्म के अंदर प्रवेश करने से पहले वो इतिहास के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म को देखते हैं और कहते हैं कि ये जो सनातन धर्म हमारा जो हिंदू धर्म है इसकी जो आभ्यंतरिक शक्ति जो है अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? अब ऐतिहासिक युग से भी जो पूर्व जितने भी जो धर्म रहे हैं जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक रिलीजन्स कहते हैं, प्री हिस्टोरिक रिलीजन्स इंग्लिश में अगर हम कहें तो सिर्फ तीन ही हैं। पहला है सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म, दूसरा है यहूदियों का धर्म और तीसरा है पारसियों का धर्म। अब इन तीनों धर्मों को अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखो तो ये तीनों धर्म आज भी जिंदा है, बचे हुए हैं। ये सब प्री हिस्टोरिक रिलीजन्स हैं, सोच के देखिए कितना प्राचीन है। सर्व प्राचीनतम है हमारा जो वैदिक सनातन धर्म, उसके साथ में ये यहूदियों का धर्म है और पारसियों का भी धर्म है, लेकिन आज भी ये जिंदा है। लेकिन इतिहास के प्रवाह में हम लोग ये देखेंगे यहूदी धर्म के साथ क्या हुआ। यहूदी धर्म से जन्म हुआ ईसाई धर्म और ईसाई धर्म जो यहूदी धर्म का संतान है ऐसा हम कह सकते हैं। यहूदी धर्म अगर आता है तो ईसाई धर्म संतान है तो, लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण एक बात रही है कि संतान ने अपने माता को अपने जन्म स्थान से ही निर्वासित कर दिया। और अब देखते हैं यहूदियों की जो दशा, सहस्राब्दियों तक सारे विश्व में भटकते रहे, अपने जन्म स्थान तक उनको प्राप्त नहीं। पारसियों की क्या दशा रही? इतिहास में देखते हैं जब मुसलमानों का जो आक्रमण पूरे विश्व पर हुआ तो ये जो पारसी जो समुदाय है जो उस समय में पर्शिया में हुआ करती थी, इस आक्रमण के कारण वो अपने जन्म स्थान से उनको वहां से निकलना पड़ा और इतना आघात हुआ है उनके ऊपर कि आज सिर्फ मुट्ठी भर पारसी लोग बचे हुए हैं सिर्फ हमारे भारत के जो पश्चिमी तट में, मुंबई हो
या मुंबई के आसपास कुछ मुट्ठी भर पारसी लोग आज बचे हुए हैं, उनकी धर्म की गाथा गाने के लिए। वहीं पर वैदिक सनातन धर्म को देखिए, मैं हमारे हिंदू धर्म की आभ्यंतरिक शक्ति की बात कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर रहा हूं, विवेकानंद बात कर रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं, अब इसी वैदिक सनातन धर्म को देखिए, एक आघात के बाद एक इतने आघात सहने के बाद में भी आज भी ये वैदिक सनातन धर्म पूरे शक्ति के साथ विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। ये क्या शक्ति है इस वैदिक सनातन धर्म? युग बीत गए हैं, कितना इसके ऊपर प्रभाव आघात हुआ है। आघात सिर्फ बाहर से नहीं, मुसलमानों का आक्रमण हो या कितने प्रकार के आक्रमण, हमारे देश के अंदर से भी इतने धर्म और पंथ का जन्म हुआ जो कि वैदिक सनातन धर्म को मूल से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की। बहुत सारे पंथों का जन्म हुआ इसी भूमि में, और प्रत्येक बार जब हमारे सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण हुआ तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सनातन धर्म धीरे से पीछे हट रही है। लेकिन ये पीछे सिर्फ इसलिए हट रही है कि पूरे शक्ति के साथ दोबारा समाज के ऊपर छा जाए। ये प्रत्येक बार हुआ है, जितनी बार भी आघात हुई है, ये हमारा सनातन धर्म थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन पूरे शक्ति के साथ दोबारा आकर के विश्व को वो प्रभावित कर देती है। और ये आज भी होगा। ये है हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत ही आभ्यंतरिक इनहेरेंट स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग कहते हैं। अजीब है, शायद इसके अंदर दैवी शक्ति प्रभु परमेश्वर की लीला है, हम साधारण जीव इसको क्या समझे, लेकिन विवेकानंद इसका उल्लेख करते हैं इस बात। तो ऐसे जो सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, इसकी जो मूल मुद्दे हैं वह क्या है, तो हम थोड़ी सी उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जो हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मूल जो होते हैं, उसको हम लोग सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। विवेकानंद ने भी उस लेख में उन्होंने यही प्रयास किया है कि सारे विश्व को ये समझ में आए कि हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या है। इसीलिए वो वैश्विक धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है ये एक वैश्विक धर्म है। उसका कारण हम देखें क्यों हो सकता है। तो पहली बात विवेकानंद कहते हैं कि हमारा जो ये सनातन धर्म है, इसका जन्म हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसका जन्म हुआ ही नहीं है, ये सनातन है। जिस चीज का जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। तो ये सनातन है, ऐसा नहीं है किसी इतिहास के किसी पड़ाव में इसका जन्म हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन इसका जो मूल है वेद, तो हम हिंदुओं को ये जान लेना चाहिए कि हमारे धर्म का जो मूल है ये है वेद। और वेद क्या होता है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वेद क्या है। वेद है वह जो सनातन सार्वभौमिक आध्यात्मिक तत्वों का एक संचित कोश, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को संचालित करने वाले कुछ तत्व है, कुछ नियम है, उसी से संचालित है हम लोग सब। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड सब उसी से संचालित है। हमारा जो जीवन है, जीव का जीवन भी उसी से संचालित है। ऐसे जो तत्वों का एक जो कोश है, कलेक्शन है, वो है वेद, जिसको समय समय पर विभिन्न लोगों ने आविष्कार किया, उनको डिस्कवर किया है। ये जो नियम है ये सनातन है, सब समय है, ये समष्टि मन में ये नियम, ये जो लॉ है, लॉज है, स्पिरिचुअल लॉज है, ये सब समय ही है। समय समय पर इन नियमों का आविष्कार किया गया कुछ लोगों के द्वारा। तो उसके उदाहरण में वो देते हैं, जैसे कि हमारा जो फिजिकल, ये जो भौतिक जगत जो है, इस भौतिक जगत के जो नियम हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ले लीजिए। अब गुरुत्वाकर्षण तो सब समय है, ऐसा नहीं कि उसके आविष्कार होने से पहले नहीं थे। न्यूटन ने उसको आविष्कार किया तो उसने उसकी सृष्टि तो नहीं की। हम जानने से पहले भी गुरुत्वाकर्षण थी, अगर हम नहीं जानते तब भी वो रहता, तो हम सिर्फ उसका आविष्कार करते। वैसे ही हिंदुओं का ये मूल सिद्धांत है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला जो एक नियम है वो सब समय है। हम भले उसका ज्ञान रखें या नहीं रखें, ये अलग बात है, लेकिन
हमारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति वो करके गए हैं जिन्होंने इन नियमों का आविष्कार किया है और हमें बताया है कि सृष्टि इस प्रकार से चलती है। मनुष्य जीवन का जो मूल सिद्धांत है वो यह है, इस नियम से संचालित होकर के हम जीते हैं, ऐसा ज्ञान हमको दिया गया है। ऐसे जो ज्ञान का जो कोष है वह है वेद। तो वेद कोई किताब नहीं है, जैसे बाइबल एक किताब है या कुरान एक किताब है। हिंदुओं को ये पहला ये जानना चाहिए, वेद कोई किताब नहीं है। अनादि अनंत आध्यात्मिक जगत के जो तत्व हैं, उस तत्वों का एक संचित कोष है जो सब समय इस समष्टि मन में उपस्थित है। आज भी आप लोग भी हम लोग भी किसी भी, हमारा अगर अंतकरण उसके लिए तैयार हो, हम उसका आविष्कार कर सकते हैं। बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। तो ये पहला एक होता है कि वेद जो है वो अनादि है और वो अनंत है, उसे शुरुआत। दूसरा मतलब, अब इन नियमों को, इन सिद्धांतों को आविष्कार करने वाले जो महापुरुष होकर के गए हैं उनको हम ऋषि कहते हैं। ये ऋषि शब्द हम लोग अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऋषि का क्या मतलब होता है? मंत्र द्रष्टा। इस मंत्र को जो मंत्र यानी वो जो मैंने जैसे कहा कि आध्यात्मिक तत्व और उसका जो संचित कोष, जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं अनंत ज्ञान राशि, या भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य कहते हैं अनंत शब्द राशि, इसको शब्द राशि कहिए या ज्ञान राशि कहिए, ये जो ज्ञान का जो भंडार है उसको आविष्कार करने वाले लोगों को हम लोग ऋषि कहते हैं। तो ऐसे समय समय पर ऐसे महान ऋषिगण होकर के गए हैं। हमारे उपनिषद तो पूरा भरा हुआ है, उनका नाम तक नहीं है, हम इन ऋषियों का नाम तक नहीं जानते हैं। यही हमारी संस्कृति की सबसे खासियत है, यहाँ नाम के लिए कोई कुछ नहीं करता। और ऐसे ऋषियों में बहुत से महिलाएं थी, ये विवेकानंद खास करके कहती हैं, ये सिर्फ पुरुषों का साम्राज्य नहीं था, ऐसे महान महिलाएं थी जो ऋषि थी। तो ये दूसरी एक बहुत खास बात है हमारे हिंदू धर्म के संपर्क में। अब कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि ये जो नियम है ये अनादि है अनंत है, ऐसे कैसे हो सकता है? सृष्टि का तो कहीं ना कहीं तो कोई शुरुआत होनी चाहिए, सृष्टि का जरूर कहीं ना कहीं कोई आदि हुआ होगा, सृष्टि की तो शुरुआत होती है। यह एक पूर्व पक्ष, एक अपोजिट, एक व्यू है जो विवेकानंद महापुर प्रश्न ये उठाते हैं। हमारे मन में भी ये प्रश्न आ सकता है कि सृष्टि कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो हो सकती है, होनी चाहिए। तो इसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती, यह जो दृष्ट जगत है, ये जो सृष्टि है, ये अनादि है या अनंत है। तो क्यों अनादि अनंत है? तो कहते हैं, अगर समझ लीजिए कि ये सृष्टि की शुरुआत हुई है, किसी एक काल में सृष्टि की शुरुआत हुई है, तो फिर शुरुआत होने से पहले ये सृष्टि कहाँ थी? एक प्रश्न है, ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जगत को हम देख रहे हैं, यह सृष्टि होने से पहले कहाँ थी? तो अगर हम ये कहें कि ये सृष्टि शुरुआत होने से पहले ईश्वर में अक्रिय रूप से स्थित थी, तो ये भी कोई उत्तर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अगर ये सृष्टि उत्पन्न होने से पहले ईश्वर में निहित थी अक्रिय रूप से, तो इससे ये सिद्ध होगा कि ईश्वर कभी अक्रिय है कभी सक्रिय है। जब सृष्टि करते हैं तब सक्रिय हो जाते हैं, जब सृष्टि नहीं करते तो अक्रिय हो जाते हैं। अब जब ईश्वर सक्रिय हैं और अक्रिय हैं तब ईश्वर परिवर्तनशील हो जाते हैं। परिवर्तनशील जो चीज है वो मिश्रित वस्तु से बना हुआ होता है, जो मिश्रित चीजों से बनाया हुआ वस्तु है उसी में परिवर्तन होता है। और ईश्वर मिश्रित चीजों से बनाया हुआ चीज नहीं है, इसीलिए ईश्वर में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन होता है तो ईश्वर विनाशशील हो जाएगा, और ये वेदों के लिए मंजूर नहीं है। ईश्वर विनाशशील हो तो ये तो व्यंग हो जाएगा, हास्यास्पद हो जाएगा। इसीलिए हिंदुओं का जो मूल सिद्धांत ये है, सृष्टि की कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। तो क्या है सृष्टि? हम जिसको सृष्टि कहते हैं ये सृष्टि अनादि है। तो विवेकानंद एक बहुत सुंदर उसका उदाहरण देते हैं, सृष्टि और सृष्टा, एक ओर सृष्टि है और दूसरी ओर सृष्टि करता है,
ये दोनों दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं जो अनादि अनंत है और जो समानांतर है, पैरेलल, ये पैरेलल ही चलती है, दोनों भी अनादि है और अनंत है। तो ये बार बार जो सृष्टि का जो होना है ये क्या होता है, तो हमारे वेदों का सिद्धांत ये है, यह सिर्फ अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति की बात है। सृष्टि जब होती है कोई नई चीज सृष्टि नहीं होती, यही सृष्टि बीजाकार में जब चली जाती है तब उसका प्रलय होता है, उसी बीज में से यह अंकुरित होकर के प्रकट होती है, तब हमें लगता है कि सृजन हुआ। तो सृष्टि का होना इसका यह मतलब नहीं है कुछ नया चीज जो पहले नहीं था उसका सृजन हो रहा है, वो सब समय नहीं था, सिर्फ कभी वो बीजाकार में रहती है कभी अभिव्यक्त हो जाती है, इतना ही उसमें फर्क है। तो सृष्टि अनादि है, अनंत है, सब समय से ही है, वो ईश्वर प्रभु परमेश्वर की प्रेरणा से ही एक के बाद एक ब्रह्मांड बनते जाते हैं, उसकी स्थिति होती है और कालांतर में उसका प्रलय हो जाता है और अपने बीज में चला जाता है। बीज में चला जाना और उस बीज में से अंकुरित होना, यही सृष्टि और प्रलय का खेल है। तो ये हिंदुओं का एक मूल सिद्धांत है, प्रत्येक हिंदुओं को ये जान लेना चाहिए। तो हमने देखा वेद क्या है, ऋषि क्या है और ये सृष्टि क्या है। अब सृष्टि को देख लिया तो इस सृष्टि में रहने वाले हम जो जीव हैं, हम क्या है, हिंदुओं का दूसरा एक और बड़ा होता है, आप हम सब क्या है। विवेकानंद इस मुद्दे को उठाते हैं, बहुत ही सुंदर, कितना मतलब अद्भुत उनका जो प्रेजेंटेशन है, इतना युक्तिसंगत, इतना साइंटिफिक कि आश्चर्य होता है। सिर्फ एक विवेकानंद ही इस तरह से बता सकते, फिर वो कहते हैं कि ये मैं कौन हूं, ये आप और हम जो जीव है, हमारा स्वरूप क्या है। तो विवेकानंद कहते हैं कि आप जब आंख बंद करके मैं की बात करते हैं, तो मैं कहते हैं कि हमारे मन में सबसे पहले क्या धारणा आती है, मैं कहते हैं हमारे मन में धारणा आती है यह शरीर है ना, तो हमारी अनुभूति की बात है। जब भी हम मैं की बात करते हैं तो इस शरीर को लेकर की बात करते हैं, तब तो फिर पुरुष शरीर है, स्त्री शरीर है, लिंग भेद आ गया, तो सारी जो कहानी वहां से शुरू होती है, मैं कहते ही ये शरीर से जुड़ जाता है। तो क्या है? मैं का मतलब सिर्फ शरीर है। अब हिंदुओं का ये अगला मूल सिद्धांत है, ये मैं शरीर कभी भी नहीं हो सकता। हिंदू ये कहते हैं, हमारे ऋषि ये कहते हैं कि मैं इस शरीर में रहने वाला आत्मा हूं। इस बात को अच्छी तरह से याद रख लेना चाहिए, हर हिंदू का ये सिद्धांत है, मैं इस शरीर में रहने वाला आत्मा हूं। भगवद गीता कहती है, देही नित्यम अवध्योय, देहे सर्वस्य भारत, देही देही शब्द यूज किया, देही और देह, देह में रहने वाला जो है वो है देह। तो यह आत्मा है जो इस शरीर में रहता है, और यहां पर एक अजीब सी लीला चलती रहती है। तो हिंदुओं का एक अगला एक मूल सिद्धांत यही है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसके बाद और एक प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न ये है, चलो हमने देख लिया कि सृष्टि करता है, सृष्टि है, सृष्टा है, सृष्टि है, सृष्टि में हम सब जीव हैं। तो अगला प्रश्न ये उठता है, अगर एक न्यायी और एक दयाशील ईश्वर इस सृष्टि के पीछे हैं, तो ऐसा क्यों हम समाज में देखते हैं कि कुछ लोग दुख से पीड़ित हैं और कुछ लोग बहुत सुखी हैं। ऐसा क्यों हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही कष्ट में जीते हैं और कुछ लोगों की जिंदगी बड़ी ऐशो आराम में करती है। ऐसा क्यों हम देखते हैं कि कुछ बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और कुछ बच्चे एकदम स्वस्थ पैदा होते हैं। एक न्यायी और दयाशील अगर ईश्वर है तो उसके सृष्टि में ऐसी विषमता क्यों, क्यों ऐसा होता है? तो उसका अगर हम कारण ढूंढे तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि सृष्टिकर्ता बिल्कुल क्रूर है, नहीं हो सकता। तो इसका दोष सृष्टिकर्ता के ऊपर नहीं है, हमारे हिंदुओं का अगला सिद्धांत है कर्म और कर्म फल।
ये बहुत बड़ा एक स्तंभ है जिसको हर हिंदुओं को याद रखना चाहिए। पुण्यो वै पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापे न। हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है, जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल बुरा ही होता है। इसके लिए हिंदू बिल्कुल बहादुर होकर के अपने जिंदगी की जो जिम्मेदारी है अपने कंधों पर लेते हैं, किसी और पे थोपते नहीं हैं। हिंदू ऋषि हमें यह दिखाती हैं कि हम जैसा कर्म करें, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल होगा। तो इसका यह मतलब है कि जन्म से अगर कोई विकलांग है तो जरूर इसका जो मूल कारण इस जन्म में नहीं रहा होगा, पूर्व जन्म कृत कर्म का ही फल हो सकता है। तो इससे और एक सिद्धांत इसमें से बाहर आता है और वो है पुनर्जन्म। कर्म का जो सिद्धांत है वो पुनर्जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। हम इस जन्म में अपने आप को जैसा बनाते हैं, जैसे कि मैं आज मैं जो हूं, सच पूछो तो मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। जो भी है, अच्छा है बुरा है, मेरे अंदर जो भी त्रुटियां हैं मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। इसमें से हमें एक साहस यह भी मिलता है, अगर मैं आज जैसा हूं ये मेरा ही किया हुआ है तो मैं अपने भविष्य को भी बना सकता हूं। मैं आज ऐसा एक जिंदगी जी सकता हूं कि अपने ही हाथों से अपने भविष्य को मैं गढ़ सकता हूं, बना सकता हूं। यह हिंदू धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। अब पुनर्जन्म की जो बात करते हैं, पुनर्जन्म के लिए एक सिद्धांत है। अब लोग कहेंगे कि अक्सर हम लोग जो आजकल अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में हम लोग पढ़े लिखे हैं, भौतिकवाद का जमाना है, आधुनिक विज्ञान का जमाना है, हम लोगों को वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण दे दिया है कि जो भी ये भौतिक जगत है, हमारे इंद्रियों से जो दिखने वाली जो जगत है यही सच है, और जो हमारे इंद्रियों से जो दिखाई नहीं देती वो सिर्फ काल्पनिक है, वो सिर्फ मिथ्या है। ऐसा हमारी एक दृष्टिकोण होगी, खास करके जो मॉडर्न वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक साइंस जिसे हम कहते हैं उसमें यही दृष्टिकोण है। जो भी जो इंद्रियाती चीज है उसको हम लोग मिथ्या बोल के स्टैंड कर देते हैं, उसको हम लोग काल्पनिक सुपरस्टिशन बोल के स्टैंड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म का क्या सबूत है, बताइए कोई सबूत है, कोई साबित कर सकता है पुनर्जन्म, किसी लेबोरेटरी में इसका प्रयोग हो सकता है क्या, ये प्रश्न उठ सकता है। विवेकानंद इस प्रश्न को उठाते हैं और सुंदर तरीके से, तो उनका जवाब यही देते हैं, इसका जो सबूत है, इसका सबूत है अनुभूति, अनुभूति ही प्रमाण है। कैसी अनुभूति, तो बहुत सुंदर वहां पर विवेकानंद उसका उत्तर देते हैं, इस पुनर्जन्म का क्या प्रमाण, क्या इसका सबूत क्या है। स्वामी जी कहते हैं, देखिए मैं अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो व्याख्यान जो दे रहा हूँ, मैं हिंदी में दे रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में नहीं दे रहा हूँ या मराठी में नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे अभी जो मेरे जो अंतकरण का जो सतह है, अंतकरण के सतह में सिर्फ मेरे हिंदी शब्द निकल रहे हैं या हिंदी में मेरे सोच निकल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है मेरे अंदर अंग्रेजी शब्द या मराठी शब्द नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा प्रयास करूँ, थोड़ा सा अपने अंदर में जाऊँ, तो सारे जो अंग्रेजी शब्द हैं वो सतह में आ जाएगी, वो हमारे लिए बोध गम्य बन जाएगी। जो अंतकरण के नीचे जो छुपी हुई है वो सब हम ऊपर अपने सतह पर ला सकते हैं। इसी आधार पर विवेकानंद कहते हैं, अगर हम उस प्रक्रिया को जाने जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने अंतकरण को मथित कर सकते हैं, अगर ठीक से उसका मथन हो तो हम इतनी गहराई तक जा सकते हैं कि पुनर्जन्म की जो सारी जो स्मृतियां हैं वह भी हमारे सतत तक आ जाएंगे, और आप जान जाएंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, किस धर्म में आपका जन्म हुआ था। तो वैदिक ऋषि जो हिंदू ऋषि है वो कहता है पुनर्जन्म का जो प्रमाण है वो अनुभूति है, आप अपने अंतकरण को मथित करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, यह सबूत। पुनर्जन्म का जो बात है, अक्सर ये प्रश्न उठता है, इसका क्या सबूत है, किसने देखा है पिछले जन्म में आप क्या थे और आगे क्या होने वाले, तो उसका सबूत यही है, प्रमाण अनुभूति। अब इसमें से दूसरा एक प्रश्न उठता है कि
अब ये आत्मा का शरीर के साथ जुड़ने पर ही तो ये सारी लीला की शुरुआत होती है। जन्म लेना या मर जाना, मृत्यु का होना, यह सब आत्मा का शरीर के साथ जुड़ने के बाद ही तो शुरू होता है। तो एक बड़ा प्रश्न यहां पर उठता है, यह जो आत्मा जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जो शुद्ध चैतन्य है, जो भौतिक पदार्थ से बनाया हुआ नहीं है, इस आत्मा का इस भौतिक देह के साथ कैसे संबंध मिल गया? ये प्रश्न होता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। वो जो चैतन्य है, जो किसी पदार्थ से बना हुआ नहीं है, उसका इस भौतिक शरीर के साथ कैसे संबंध है, कैसे बन सकता है? जो चैतन्य है उसका ये जड़ के साथ कैसे संबंध है? जड़ और चैतन्य तो दो विभिन्न चीजें हैं। जड़ तो ये टेबल जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, लेकिन चैतन्य तो जड़ नहीं है। अब वो इस जड़ के साथ कैसे संबंधित हो गया? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वास्तविक रूप से अगर हम देखो तो ये हो ही नहीं सकता। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य उनके अभ्यास भाष्य में इतना सुंदर इसका वहां पर विवरण किया है। मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ विवेकानंद से, क्योंकि ये मुझे बहुत ही रोचक एक ऐसा विषय है। वहां पर भगवान भाष्यकर आदि शंकराचार्य कहते हैं, क्या अद्भुत है, जो घटना कभी घट ही नहीं सकती है वो घट गई। अंधकार और प्रकाश क्या एक जगह पर एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। उसी तरह के जड़ और चैतन्य कभी भी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान भाष्यकर शंकराचार्य कहते हैं ये जो नहीं घटने वाली, जो घट सकने वाली जो घटना है, ये घट चुकी है। ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, शंकराचार्य कहते हैं उनके अध्यास भाष्य की अंतिम पंक्ति में। ये जो नैसर्गिक लोक व्यवहार है, जब भी हम मैं कहता हूं तो मैं का मतलब है अहम इदम, मैं शरीर, और मम इदम ये मेरा है। मैं और मेरा का जो बोध, ये कहां से आया, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। विवेकानंद इस प्रश्न को उठाते हैं इस उनके लेख में। तो ये आत्मा का इस शरीर के साथ संबंध कैसे बना? तो विवेकानंद बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है, और हमारे जो हिंदू ऋषि लोग हैं ये निडर हैं, बहादुर हैं, किसी कपटता का आश्रय नहीं लेते हैं, और निष्कपट होकर के कहते हैं कि हमें पता नहीं है कैसे होगा। कोई शब्दों से खेलते नहीं है। हम ये कहना नहीं चाहते कि इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, एक अचिंत्य शक्ति है, क्या है हमें पता नहीं। लेकिन हिंदू ऋषि कह देते हैं कि हमें पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हुआ है, ये वास्तविकता है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये एक बहुत बड़ा एक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा एक वैचारिक स्तर पर एक हमारा जो एक मेन एक पिलर है, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि चैतन्य का इस शरीर के साथ का जो संबंध, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, या उसका रहस्य क्या। अब इससे निकलने वाली जो अगला जो प्रश्न ये है, अगर ये आत्मा शुद्ध चैतन्य इस शरीर के साथ जुड़ गया है, तो प्रश्न ये है, इसके साथ जुड़ने के कारण ही तो ये जन्म मरण का चक्र चल रहा है। यह जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी झटरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ये कब इस जन्म मरण के चक्र से हम बाहर निकल सकेंगे? ये अजीब एक नियम चल रहा है यहाँ पर, कार्य कारण का एक नियम है, कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम इंग्लिश में कॉजालिटी कहते हैं। ये एक अजीब एक ऐसा एक नियम है, हम सब इस नियम के अधीन है, चपेट में, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे? ये आत्मा अब इस जन्म मरण के चक्र से, कार्य कारणात्मक नियम के चपेट से, ये आत्मा अब कैसे बाहर निकलेगी, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर विवेकानंद देते हैं, हमारे हिंदू ऋषियों की जो सिद्धांत है वो कहते हैं, ये आत्मा जो है वो कभी भी इसके चपेट में नहीं था, आज भी नहीं है, और वो कभी भी नहीं रहेगा। यह सिर्फ हमारा एक भ्रम है कि हम इस शरीर में हम लोग बंधे हुए हैं, ये इसका मूल सिर्फ एक भ्रम है। अगर हम अपने विवेक का प्रकाश
इस भ्रम के ऊपर डाले तो ये भ्रम जो अंधकार रूपी जो भ्रम है इस भ्रम का निराकरण हो सकता है। तब वो ऋषि जाकर के कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महात आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मैंने देखा उस परम पुरुष को, मैंने देखा, मैंने अनुभव किया है। आप लोग इस जन्म मरण के चक्र में एक गुलाम की तरह आप लोग यहाँ पर असहाय एक दीन ऐसे जीव नहीं है, आप वो परम आत्मा है जिसको सिर्फ जानने से आप जान जाएंगे कि कभी भी आप इसके चपेट में नहीं थे। तो आज हम अपने आप को जो इसके चपेट में हम महसूस कर रहे हैं, इसके मूल में सिर्फ एक ही चीज है, हमने कभी यह प्रश्न नहीं किया कि मैं कौन हूं। तो हिंदू धर्म का एक मूल जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यह है कि मैं कौन हूं, इसको जानना है, यही धर्म है। धर्म सिर्फ मंदिरों में जाना यह सब मंदिर में जाने की कुछ ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मूल की बात कर रहा हूं, मूल है यह प्रश्न उठाना कि मैं कौन हूं, और इस प्रश्न का उत्तर पाना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हम हमारा समय व्यतीत कर रहे हैं, हम उसका हम सही दिशा में हम नहीं जा रहे। तो अब इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए उसके लिए कुछ पद्धतियां हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है, तो विवेकानंद उसका उल्लेख करते हैं। पहली बात है, जब आपको ये बताया गया कि आप आत्मा हैं, आप ये जड़ शरीर नहीं हैं, तो आपका जो दैनंदिन जीवन वो कैसा होना चाहिए? तो विवेकानंद भगवत गीता की बात करते हैं, वही जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं उस कृष्ण की बात करते हैं, उस कृष्ण की गीता की बात करते हैं। तो गीता में एक श्लोक है, कहते हैं ब्रह्मण्याथाय कर्माणि कर्म संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पत्र विनाम दशा। तो जीवन में कैसा रहना है, हिंदुओं की जो आदर्श जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, पद्म पत्र विनाम दशा, लाइक ए लोटस लीफ इन द वॉटर। यह हमारे जीवन शैली की खासियत है। हर हिंदू को याद रखना चाहिए कि इस संसार में, ये जो नश्वर संसार है, इसमें हमारी जीवन शैली का आधार या उसका जो फलसफा है वो क्या होगा? वो फलसफा है पद्म पत्र विवाह। जैसे कि पानी में जो कमल होता है, कमल के जो अपने पत्ते होते हैं, पानी में रहते हुए भी पानी से अस्पृष्ट है, बिल्कुल उसी तरह हमारा जीवन होना चाहिए। इस संसार में है हम लोग, लेकिन संसार से अस्पृष्ट है। क्यों? ब्रह्मण्य आधार से कर्माणि, हमारी बुद्धि को ब्रह्म में प्रतिष्ठित करके ऐसा जीवन जियो कि यहाँ पर हम सब कर्म कर रहे हैं, अपना जो जो धर्म है, अपना जो ड्यूटी है उसको निभा रहे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं हम, हमारे समाज के जो जितने भी जो जो हमारे जो जो दायित्व है उसको हम लोग निभा रहे हैं, लेकिन पद्म पत्र अस्पृष्ट। संसार को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं देना चाहिए, यही उसका सिद्धांत है। अब गीता के इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ और एक बात है, जब हम जीवन शैली की बात करते हैं तो वहां पर भक्ति की बात करते हैं। अब देखिए, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, वेद है, आत्मा है, अब आत्मा किसने देखा है? हमको तो सिर्फ शरीर नजर आता है। हम आज के हम जहाँ पर हम लोग खड़े हैं तो हमारा जो देहात्म बोध जो शरीर है, शरीर की कमजोरियाँ हैं, शरीर में बुढ़ापा आता है, बीमारी आता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो सभी लोग तो उस अद्वैत तत्व की ओर हम लोग जान नहीं सकते। तो हमारे यहाँ पर, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे कुछ 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 बातें बता करके गए हैं जिसके द्वारा, जिसको जिसका अवलंबन करके हम धीरे धीरे उस आत्म तत्व की ओर बढ़ सकते हैं। सो प्रधानता उसके दो मार्ग उस आत्म तत्व की ओर बढ़ने के लिए, पहला मार्ग है ज्ञान का मार्ग और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। तो भक्ति क्या है? विवेकानंद खास करके भक्ति की बात करते हैं उस तो भक्ति की बात करते हैं। भक्ति क्या है? उस प्रभु परमेश्वर उसके प्रति जो अगाढ़ प्रेम, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु तुमसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे संसार की किसी चीज़ की मुझे आशा नहीं है, मुझे सिर्फ
आपके प्रति प्रेम चाहिए, आपके चरणों में मेरा मन रहे, यही भक्ति। उस सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता जो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उस ईश्वर को जान करके उसको प्रेम करना, अपने हृदय के सारे प्रेम को उसके चरणों में ही दे देना, यही भक्ति है। तो इसके उदाहरण में वहां पर एक कहानी का उल्लेख करते हैं, हमारे जो महाभारत के जो युधिष्ठिर युधिष्ठिर जो राजा धर्मराज युधिष्ठिर होते गए हैं, विवेकानंद इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वहां पर तो युधिष्ठिर की कहानी हम लोग जानते हैं, कैसे उनको अपने सब परिवार उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा। यह जो धर्मराज सारा जीवन जिसने धर्म का अवलंबन किया, कभी भी अधर्म में कोई भी काम नहीं किया, तो उसके पत्नी के मन में यह एक संदेह होता है, ये कैसा धर्मराज आप हैं, सारा जीवन आपने इतना अच्छा कर्म किया, तो आपके जीवन में इतने दुख क्यों है? क्या प्रभु परमेश्वर आप जिसको जिस प्रभु परमेश्वर को आप पूजते हैं, वो प्रभु परमेश्वर ऐसा कैसा है कि आप धर्म का अवलंबन करते हुए भी आपके जीवन में इतना दुख है? यह प्रश्न उनके धर्म पत्नी के मन में आती है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं, देखो तुम्हें क्या लगता है, मैं प्रभु परमेश्वर से जो प्रेम करता हूँ, प्रभु परमेश्वर से कुछ पाने के लिए करता हूँ? अगर कुछ पाने के लिए करता हूँ तो वो भक्ति नहीं है, वो तो फिर व्यवसाय हो गया। तो हिंदुओं का एक मूल सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत ये है, हम भगवान से हम जो प्रेम करते हैं, संसार की कोई चीज मांगने के लिए नहीं, संसार से जब हम कोई चीज मांगते हैं तो भक्ति नहीं है, वो व्यवसाय है। विवेकानंद इस बात का उल्लेख करते हैं। तो भक्ति को समझ लेना चाहिए, भक्ति तो युधिष्ठिर वहां पर कहते हैं, ये देखिए मेरे सामने हिमालय खड़ी है, ये जो भव्य हिमालय पर्वत मेरे सामने खड़ी है, देखिए इसकी भव्यता को, इसकी सुंदरता, ये पर्वत मुझे कुछ भी नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मैं अपना सर झुकाता हूँ इसके सामने, इसके सौंदर्य को देख करके, इसके भव्यता को देख करके। मेरी भक्ति प्रभु के प्रति ऐसा ही है, मुझे प्रभु से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु परमेश्वर के बारे में जब सोचता हूँ, जिसने सृष्टि को बनाई है, तो मेरा सर नतमस्तक हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, सिर्फ उस प्रभु परमेश्वर को मैं प्रेम करना चाहता हूँ। तो ये भक्ति की व्याख्या है हमारे हिंदुओं की, अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। हम जब मंदिरों में जाते हैं क्या मन में लेकर के जाते हैं, क्या आशाएं मन में लेकर के जाते हैं? इसी भक्ति के संदर्भ में विवेकानंद अगला मुद्दा उठाते हैं और वो है मूर्ति पूजा। ये हिंदुओं की खासियत है, हिंदू धर्म की खासियत है मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा को लेकर के इतना विश्व में हिंदुओं को बुरा बना कर कह दिया गया है, लोग हमें ताने देते रहे हैं, हमें गालियां देते रहे हैं कि हिंदू लोग देखिए पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं, उनको ये पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, ये उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि उनको इसके पीछे का सिद्धांत उनको पता नहीं। वो लोग कहते हैं ये लोग मूर्ति पूजक हैं, बुद्ध परस्त हैं, आइडोलेटर्स हैं और क्या क्या है। सौरभ महाराज को मुझसे कुछ खास दुश्मनी है, ठीक है मानना पड़ेगा। तो मूर्ति पूजा के संदर्भ में भी ऐसे जो हमें बहुत से सारा विश्व में ये भ्रम रहा है, ये तो हिंदू लोग कैसे हैं, पेड़ पौधे गाय की भी पूजा करते हैं, तो उसका जो मूल जो सिद्धांत है विवेकानंद वहां पर बताते हैं कि मूर्ति पूजा के दिन का मूल में जो सिद्धांत है, देखिए उसका सिद्धांत ये है। देखिए हम जो वेद में जो अद्वैत तत्व की जो बात की है, जो निर्गुण निराकार वह जो अद्वैत तत्व है, जो ब्रह्म है, जो हमारा स्वरूप है, जो इस पूरे सृष्टि का जो मूल है, वह तो अतीन्द्रिय है, हमारी इंद्रियों के चपेट में आने वाली चीज नहीं है। और जो अतीन्द्रिय वस्तु है वो तो बहुत दूर सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये तत्व कहाँ है, हम तो सिर्फ कुछ कल्पना करते हैं अपने मन में इस तत्व को लेकर के, उस तक पहुंचने की हमें कुछ सहारा ही नहीं है हमारे पास। उस अद्वैत ब्रह्म को हम कैसे हम उसकी ओर हम प्रस्थान करें, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। तो उसके लिए हमारा एक सिद्धांत है हमारे हिंदू धर्म में, साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पना, ब्रह्म की अपनी ही व्यवस्था है,
कि ब्रह्म वही परम ब्रह्म जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो साधकों के हित के लिए, हम जैसे जो साधारण जो मानवीय है, हम जो देहेंद्रिय छोड़ करके कुछ समझ नहीं पाते हैं, हमारे ही हित के लिए, हमारे ही सहूलियत के लिए वही परम ब्रह्म अलग अलग आकारों में, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, ताकि हम अपना मन उसमें रख सकें। उसका एक मूल सिद्धांत मैं और एक बता देता हूँ। देखिए, हमारे जो हिंदू जो साधना पद्धति का जो मूल है, उसमें दो प्रकार के विशेष रूप से उपासनाएं। एक उपासना हम इसे कहते हैं स्वरूप उपासना। अब ये स्वरूप उपासना जो होता है, यह जो बहुत ही उच्च अधिकारी जो लोग होते हैं, जिसके अंदर मन में बहुत पवित्रता है, जिसके मन काफी देह और शरीर से ऊपर उठ गए हैं, यह लोग ये स्वरूप की उपासना सीधा कर सके, सीधा आत्म तत्व के ऊपर लोग अपना ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। लेकिन ये तो सबकी बस की बात नहीं है। तो जो उससे जो निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, उनके सहूलियत के लिए है संपद उपासना, उसको हमारे शास्त्रीय भाषा में अगर कहें उसको संपद उपासना कहते हैं। अब संपद उपासना में क्या होता है कि जैसे कि सूर्य हमारे जो सृष्टि में, हमारा जो ये जो सोलर सिस्टम है, इसका सबसे प्रखर ऐसा एक चीज़ है जो हम सब देखते हैं, तो इस सूर्य का और ब्रह्म का एक रिलेशन है, एक संबंध है। क्या संबंध है, दोनों में क्या समानता है? ब्रह्म भी प्रकाशमान है और सूर्य भी इस सूर्य मंडल का सबसे प्रकाश देने वाला एक चीज़ है। तो ब्रह्म और सूर्य में जो समानता है वो है प्रकाशत्व, सब कुछ प्रकाशित करना है। लेकिन हमें याद तो रखना चाहिए, ब्रह्म का जो प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश है, ये एक नहीं थी। सूर्य का प्रकाश जो है भौतिक है और ब्रह्म का जो प्रकाश है वो चैतन्य प्रकाश है, वो भौतिक नहीं है। लेकिन उस चैतन्य प्रकाश को समझने के लिए हम इस सूर्य का अवलंबन करते हैं। इसलिए ये सबसे उपासना ऐसा होता है, बहुत से लोग सूर्य पर ध्यान करते हैं ताकि उसके द्वारा हम ब्रह्म के उस चैतन्य प्रकाश की ओर हम बढ़ सकें, इसको हम संपद उपासना करते हैं। लेकिन बहुतों को ये भी भारी पड़ता है, ये भी नहीं होता है। हम जैसे सर्वसाधारण लोगों को देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरत है एक प्रतीक, हमें एक स्थूल प्रतीक की जरूरत है, एक ऐसी प्रतीक जिसको पकड़ कर हम बहुत परम ब्रह्म तक पहुंच सके। और हम जब प्रतीक की बात करते हैं, सबसे उत्तम प्रतीक होता है प्रतिमा। यह जो प्रतिमा है यह सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है। यह सिर्फ मिट्टी से बना हुआ प्रतिमा नहीं है, यह प्रतीक है उसी परम ब्रह्म की प्रतिमा है। जो कोई भी इस मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन इसके अंदर से जब हम इस प्रतिमा को देखते हैं, इस प्रतिमा में क्या है, हमें अगाढ़ पवित्रता दिखती है, उसी ब्रह्म का वहां पर प्रकाशित दिखता है। तो जब हम इस प्रतिमा की ओर ध्यान करते हैं तो हमें वही परम ब्रह्म का जो गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी के द्वारा, इस प्रतिमा के पूजा के द्वारा हम उस ब्रह्म भाव की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो ये है हमारा जो इमेज वर्शिप जिसको हम लोग कहते हैं, मूर्ति पूजा, उसका जो मूल सिद्धांत है जिसको विवेकानंद बहुत सुंदर तरीके से वहाँ रखते हैं। और दो मिनट देता हूँ इस बात को। अब आखिरी बात ये है जो कि हमारे हिंदू धर्म की जो खासियत है, जिसको विवेकानंद बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, हम सभी को इस बात से गांठ बांध करके रख देना चाहिए, हिंदू धर्म जो है ये विश्वास आधारित नहीं है। इसका जो आधार है वो विश्वास नहीं है, इसका जो आधार है अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति है। सिर्फ भगवान है इस बात को विश्वास करके चुप करके बैठना, यह हिंदू धर्म नहीं है। हमारे ऋषियों की जो वाणी है वो यह है कि ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति। आप ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं ब्रह्म बनने के लिए, आप ब्रह्म स्वरूप हैं इसकी ज्ञान और अनुभूति होने के। तो हमें जान लेना चाहिए हिंदू धर्म की जो व्यापकता है, इस बात को विवेकानंद खास करके कहते हैं। देखिए, हिंदू धर्म की जो व्यापकता,
वो अति उच्च आध्यात्मिक अद्वैतिक तत्व से लेकर के अत्यंत स्थूल जो मूर्ति पूजा तक हर व्यक्ति के लिए जिस किसी परिस्थिति में हो, उसकी मानसिकता जो भी हो, वो स्थूल हो सूक्ष्म हो, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एक प्रोविजन है। कोई भी धर्म से बाहर नहीं, सबके लिए बहुत ही अत्यंत रस्ते में चलने वाला जो अत्यंत ही जो क्रूर व्यक्ति है उसके लिए भी कुछ व्यवस्था है, किसी के लिए भी नकारा नहीं जाता। तो विवेकानंद उसका उदाहरण देते हैं अन्य धर्मों के तुलना में, कहते हैं अन्य धर्मों में क्या है, एक ही कमीज है, एक ही साइज की कमीज है, और हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, विभिन्न साइज के लोग हैं हम लोग, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, लेकिन कमीज है एक ही साइज का, और सभी को अगर उस एक साइज के कमीज के अंदर अगर प्रवेश करना हो तो क्या, तो बहुतों को कमीज नसीब ही नहीं होगी। सो अन्य धर्मों की बात ऐसी है, उनके विचारधारा में कुछ ऐसे रूढ़ियाँ हैं जिसको मान करके चलना पड़ता है, जो उस रूढ़ियों के अंदर जो फिट नहीं हो सकता उसको धर्महीन होकर के रहना पड़ता है, वो धर्म बाह्य हो जाता है। लेकिन हिंदू समाज में या हमारे जो सनातन धर्म है ये इतना व्यापक है, उस अद्वैत तत्व से लेकर के ये स्थूल मूर्ति पूजा तक, उसमें द्वैती हैं, विशिष्ट अद्वैती हैं, अद्वैती हैं, अज्ञेयवादी हैं, निरीश्वरवादी हैं, अनेकेश्वरवादी हैं, सबवादी हैं, उसमें भौतिकवादी भी हैं, लोकायत लोग हैं, चार्वाक हैं, सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थान है। यह है हिंदू धर्म की व्यापकता, तो सबको लेकर के चलते, और इसी कारण अंत में उस व्याख्यान में विवेकानंद कहते हैं, इसीलिए ये जो सनातन धर्म ही है, एक ऐसा जो धर्म जो कि सार्वभौमिक है, जो सारे धर्मों का आधार है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे जो शिकागो वक्तृता में जो पहला जो उनका जो 11 सितंबर में जो स्पीच हुआ था, उनकी जो दूसरी पंक्ति है, आई थैंक यू ऑल इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उस अति प्राचीन सन्यासी संप्रदाय की ओर से। तीसरा सेंटेंस है, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ ऑल रिलीजियंस, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उस सनातन धर्म की ओर से जो सभी धर्मों की माता है। यह सनातन धर्म है जो कि सारे धर्म, आज विश्व में जितने भी धर्म हैं, यह सीधे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ही इसमें से उनका उपज हुआ है, उनका उदय हुआ है। आज ये लोग मानने लगे हैं, जिसे मैंने पहले भी कहा, ये टर्निंग पॉइंट की जो बात हुई थी कि कैसे लोग आज इस बात को मानने लगे हैं कि कोई एक धर्म मात्र ही सत्य नहीं है, सभी धर्म सत्य हैं, सभी धर्म उसी एक परम प्रभु परमेश्वर की ओर जाने वाले जो विभिन्न रास्ते हैं। तो यही कुछ हमारे हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं होते हैं, जिसको विवेकानंद परिकल्पित हिंदू धर्म, या विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जैसी परिभाषा हमारे सामने रखी, उसकी जो मूल रूपरेखा है वही। धन्यवाद।